संस्कार भारती विद्यालय सूरत शहर का एक ऐसा विद्यालय जहां शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और संस्कार का समन्वय है। विद्यालय में नृत्य, संगीत, योगा एवं नाटक जैसी प्रवृत्तियों द्वारा विद्यार्थियों में आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास का सर्वांगीण विकास होता है। नाटक यानी कलाकार और दर्शक के बीच एक जीवन सेतु का निर्माण होना। विद्यालय द्वारा विविध नाट्य शैली जैसे कि भवाई, क्लासिकल स्टाइल, फोक स्टाइल और एपिक थिएटर शैली पर आधारित नाटक तैयार करवाए जाते हैं। क्योंकि मार्गदर्शिका के आधार पर भारत की आजादी में महत्वपूर्ण घटनाएं एवं गुजरात के महापुरुषों के जीवन आधारित नाटक हमें प्रस्तुत करना है, जिसके अनुसंधान पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन की कुछ घटनाओं को रंगमंचित करने का प्रयास किया है। क्योंकि बापू के जीवन से कोई अनजान नहीं है, तो हमारे लिए ये चुनौती रही कि हम उसे अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकें। हमारे लिए ये चुनौती रही कि हम स्वयं मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी अभिनय क्षमता से नाटक की प्रयोगात्मक शैली द्वारा प्रस्तुति दी। एक मुलाकात महात्मा साथे, जो कि मॉडर्न इंडियन प्रोडक्शन शैली का नाटक है, जो प्रोसेनियम शैली के मंच पर किया जाता है। रंगमंच और रंग भवन के बदलते स्वरूप के साथ इतिहास को मंच पर जीवंत करके आज के सोशल मीडिया के युग में खादीधारी गांधी जी के जीवन को मंच पर वास्तविक अभिनय द्वारा रंगमंचन किया गया है। स्कृति के बारे में मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा कि बेसिकली हम लोग जब मतलब हमारे जो पुराने नाटककार थे, जो पुरानी रंगभूमि से थे और हमने जो पढ़ा है, जो देखा है, उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले जो हमारा नाट्य जो फ्लेवर था वो भवाई फॉर्म में था। पहले हम संस्कृत नाट्य करते थे और फिर भवाई करते थे, और भवाई मानो वो एक हमारा फोक ड्रामा था। और फिर पारसियों के आने के बाद, अंग्रेज़ों के आने के बाद, हमने वेस्टर्न थिएटर को अडॉप्ट किया, और वेस्टर्न थिएटर को अडॉप्ट करने के बाद दोनों का एक कॉम्बिनेशन हुआ। तो भवाई से हमने पूरा अपना जिस्ट और कल्चर को लेकर और हमारा वेस्टर्न थिएटर है उसकी जो भी स्टाइल ऑफ फॉर्म है और स्टाइल ऑफ डायरेक्शन, स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन है, उनको लेकर हम लोगों ने वेस्टर्न इंडियन जो फॉर्म है उसे डेवलप किया। और आजकल जो हमारा थिएटर है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल, बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बहुत ही ज़्यादा अलंकारिक भाषा में बात नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा रोज़ की रोजिंदा बातों में बात करता। उस हिसाब से ही उन्होंने एक ड्रामा रेडी किया जिसमें गांधी जी की बात है, गांधी जी के सत्यता की बात है, उनकी ऐसी बातें हैं जो हमें पता है लेकिन हमें छू भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसे अपने जहन में अपने अंदर दबा दिया है। इस शैली में अभिनय वास्तविकता के समीप होता है, जिसमें वेशभूषा, रंगभूषा, कला के साथ अभिनय के सभी पहलू सर्वाधिक महत्व रखते हैं। गांधी जी को रंगमंचित करने की जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है वो मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है, और इस किरदार को निभाते हुए मैं बापू को और करीब से जान पाया। ऑनलाइन परियोजना की मार्गदर्शिका के आधार पर गांधी जी के जीवन को और निकट से जानने हेतु आत्मकथा, चलचित्र और साबरमती आश्रम की मुलाकात की। कला उत्सव 2017 આપની શાળા જે મહાત્મા ગાંધીના વિચારો, ચરખા વિશેના અને એમના વિચારો પર જે નાટક બનાવી રહી છે એ જાણીને સાબરમતી આશ્રમના અમને બધાને બહુ આનંદ થયો છે, બહુ જ ખુશી થઈ છે। કાંઈક અહીંયાથી પણ અમે એ જ કામ કરીએ છીએ કે લોકો સુધી મેસેજ પહોંચાડે છે, તમે પણ અમારા કામમાં સહભાગી થયા છે અને મને એના માટે તમારા માટેનું ખૂબ ગૌરવ છે, ગૌરવ હું અનુભવું છું અને ખૂબ ખુશી છે। मोहन से महात्मा बनते हुए गांधी जी के जीवन सफर को मंच पर जीवित करने का प्रयास इस नाटक द्वारा किया गया है। गांधी आश्रम में मुलाकात करी अने घणुं बधुं लखायुं जेमां गांधी जी ने सौथी नजीकनी व्यक्ति, एमनी शिष्य समान दीकरी आभानुं कैरेक्टर नजीक
કલા અને સંસ્કૃતિના સમન્વયથી નાટ્ય દ્વારા આપણે સમાજમાં એક નવ જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. નાટકના સૂત્રધાર તરીકે હું એવું ચોક્કસપણે કહી શકું કે ગાંધીજીને વિસરાયેલ વિચારો અને તેમની ભૂલાયેલી સંસ્કૃતિને આજના પ્રવર્તમાન સમયમાં નવીન રીતે આજના યુગની વિચારધારાને માર્ગને ધ્યાનમાં રાખીને એના વિચારો નાટક દ્વારા મૂકી શકાય છે. इस नाटक में महात्मा के भीतर जीवित आम आदमी जैसे मोहनदास की प्रतिमा के साथ काल्पनिक वार्तालाप एवं मुलाकात की झांकियां हैं। आजादी के पहले के समय को मंच पर जीवित करने के लिए कलाकार वृंद और मार्गदर्शक शिक्षक द्वारा निश्चित संशोधन और पूर्व तैयारी की गई। इंटरनेट के इस युग में नाटक द्वारा आज की पीढ़ी के सामने गांधी जी को जीवंत किया गया है. इस नाटक के द्वारा समाज में जागृति लाने का भी प्रयास किया गया है. परिजन मनीष एज गांधी एज पटेल एज नरसिंह मेहता ने एज मेघाणी